एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज आप लोगों को बिहार एलआरसी कलर का पहला सेट कराया जाएगा यूथ पब्लिकेशन का। इससे पहले जितना भी आप लोगों को सेट कराया गया है बिहार एलआरसी अमीन कलर का, वो आप लोगों को किरण पब्लिकेशन का कराया गया था। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट एक दिन क्या करेंगे, किरण पब्लिकेशन का करेंगे और एक दिन हम लोग यूथ पब्लिकेशन का करेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोग को वैरायटी नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगा किसी को प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या रोमन गणराज्य जो 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक कायम रहा का तख्तापलट डैश ने किया, जो कि जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी था, बताइए किसके द्वारा कराया किया गया था। कैसेक्सेस, कालीगुला, ऑगस्टस और डेरियस, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका, आप लोग को जितना भी क्वेश्चन है आप लोग को प्रत्येक क्वेश्चन का 10 सेकंड दिया जाएगा और उसके बाद आप लोग इसका रिप्लाई दीजिएगा, क्योंकि यह टेस्ट आप लोग को ऑफलाइन क्या करा अपलोड किया जा रहा है। तो अगर जो भी बच्चे अगर इसमें इंटरेस्टेड है बिहार एलआरसी कलर के लिए, अगर आप लोग कॉमेंट कीजिएगा कि सर हम लोग को भी लाइव टेस्ट कराया जाए, जैसे बिहार अमीन का मैं आप लोगों को कराता हूँ, जो बच्चे उसमें आते हैं लाइव करने के लिए, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट टेस्ट क्या करूँगा ऑनलाइन कर दूँगा, लेकिन आप लोग टाइम टेबल बता दीजिएगा जो भी बच्चे होंगे, मॉर्निंग या शाम किसी भी टाइम आप लोग अगर बोलिएगा तो मैं करवा दूंगा। तो इसलिए मैं आज आप लोगों को ऑफलाइन टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या है, कराया क्या है, भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी, बताइए भारत में वैदिक सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी, तापी, गोदावरी, नर्मदा, सरस्वती, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा जो सरस्वती, जो भारत में वैदिक सभ्यता जो सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलोडिस मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, बताइए सेलोडिस मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है संप्रति, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है दशरथ। याद रखिएगा कि सेल्यूकस मौर्य ने युद्ध में सेल्यूकस ने किसके साथ युद्ध लड़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, 1711 ईस्वी में अरब सेनापति डैश ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बना गया, बताइए 1711 ईस्वी में अरब सेनापति डैश ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बना गया, बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी में मोहम्मद बिन तुगलुक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी है मोहम्मद गोरी, बताइए। तो याद रखिएगा चार का सही आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, करा है मलिक इख्तियार उद दीन अतुलनीय ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था, बताइए मलिक इख्तियार उद दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया गया था, ऑप्शन ए है जयपुर के जयगढ़ किले में, बी में है गोलकुंडा के गोलकुंडा किले में, सी में जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में, ऑप्शन डी है बठिंडा किला मुबारक में, बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। मलिक इख्तियार उद्दीन अतुलिया ने रजिया सुल्तान को कौन से किले में कैद किया गया था, याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा बठिंडा के किला मुबारक में, किसमें, बठिंडा के किला मुबारक में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है क्या मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है, बताइए मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है, ऑप्शन ए है संत, बी में आश्रम, सी में शिष्य, डी में है क्रम, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में बलि शब्द का क्या अर्थ है। याद रखिएगा बलि शब्द का अर्थ है क्या, संत, क्या है बलि शब्द का अर्थ है, संत, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है क्या गोवा के चर्चों एवं कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनाया गया था, बताइए गोवा के चर्चों एवं कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनाया गया था, बताइए आप लोग क्या होगा, सेवंथ का अंग्रेज, डच, पुर्तगाली और मुगल, बताइए किसके द्वारा बनाया गया था।
तो याद रखिएगा पुर्तगाली के द्वारा गोवा के चर्चों एवं कॉन्वेंट को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंग्रेज कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है। बताइए इनमें से कौन सा कथन है जो कांग्रेस के कराची सत्र जो था 1931 के संदर्भ में सही है। पहला ऑप्शन है गांधी इविन संधि की पुष्टि हुई थी, बी में महात्मा गांधी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, सी है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, डी है इस आयोजन में खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था। बताइए आठ का क्या होगा। याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा जो कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ का सही कथन किया है कि गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्वराज पार्टी की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी। बताइए स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए में है भीमराव अंबेडकर तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी में है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, सी में है सुखदेव एवं राजगुरु, डी में अरुणा आसफ अली एवं सुभाष चंद्र बोस। तो याद रखिएगा स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या है कह रहा है क्या निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के एक डिग्री के भीतर है। बताइए इनमें से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के एक डिग्री के भीतर है। ढाका शहर, इस्लामाबाद शहर, एवरेस्ट पर्वत और अमरनाथ गुफा। बताइए दस का सही आंसर क्या हुआ। याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा एवरेस्ट पर्वत। कौन सा होगा, एवरेस्ट पर्वत होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की तीन समांतर श्रेणी में से एक नहीं है। बताइए इनमें से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की तीन समांतर श्रेणी में से एक नहीं है। शिवालिक, हिमशिखा, हिमाचल और हिमांद्री। बताइए इसका सही आंसर क्या हुआ 11 का। याद रखिएगा जो लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की तीन समांतर श्रेणी में से एक नहीं है कौन सा है, हिमशिखा जो है ये नहीं है। यहाँ क्वेश्चन बोला है नहीं कौन नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब कौन तीन समांतर श्रेणी रेखा, एगो शिवालिक है एगो हिमाचल है एगो हिमांद्री है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है। बताइए इनमें से कौन सा युग है जो पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है। ऑप्शन ए है रोहतांग जो है आप लोग को सिक्किम में है, लिपू लेक कहाँ है उत्तराखंड में है, बोमडिला कहाँ है हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में। बताइए कौन सा आप लोग को सही है जो दर्रे हैं। याद रखिएगा लिपू लेक जो है ना कहाँ है उत्तराखंड में, कहाँ लिपू लेक कहाँ है उत्तराखंड में, ये आप लोग को पहाड़ी दर्रे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहे क्या निम्नलिखित में कौन से राज्य में अष्टमुड़ी झील स्थित है। बताइए कौन सी राज्य है जहाँ पर अष्टमुड़ी झील स्थित है। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी में है केरल, सी में है तमिलनाडु, डी में है महाराष्ट्र। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा 13 का। जितना भी स्टूडेंट अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, जितना क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ 50 क्वेश्चन जीएस का यहाँ बताया जाएगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा प्रत्येक क्वेश्चन का आप लोग आंसर कॉमेंट में कीजिएगा और लास्ट में मुझे बता दीजिएगा कि 50 आउट ऑफ कितना आप लोग का सही आ रहा है। इससे क्या होगा आप लोग को खुद पता चलेगा कि हाँ मेरा 50 आउट ऑफ इतना आ रहा है तो मेरा प्रिपरेशन कैसा है। क्या होगा याद रखिएगा अष्टमुड़ी झील कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। कहाँ है, केरल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। बताइए कहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। बताइए 14 का सही आंसर क्या होगा। बताइए कौन सी ऐसी जगह है, बताइए देवरा, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, गंगोत्री, रुद्रप्रयाग। बताइए कौन सी प्रयाग है जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। याद रखिएगा कौन सी प्रयाग है, देव प्रयाग है जहाँ पे आप लोग भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से क्या बनती है, गंगा बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, कह इनमें से कौन सा बांध एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिसे विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया जाता है। बताइए कौन सी बांध है जो एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिससे विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर निकालने के लिए बनाया जाता है। डेब्रिस, कॉफर, डेंटेशन और इम्पाउंडिंग। बताइए कौन सी डैम बांध है, डैम है।
याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा कॉपर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, कराई क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, इसका बताइए सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, करें प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की संस्कृति डेस्क द्वारा की गई थी, बताइए प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की संस्कृति डेस्क के द्वारा की गई थी, बताइए भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, पहला है 1935 के भारत सरकार के अधिनियम, बी में 1947 के भारत सरकार के अधिनियम, सी में 1858 के भारत सरकार के अधिनियम और डी में 1919 के भारत सरकार के अधिनियम। तो याद रखना इसका सही आंसर होगा भारत 1935 के भारत सरकार के अधिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा भारत के संविधान का भाग जो सात है डैश से संबंधित है, बताइए भारत के संविधान का भाग सात डैश से संबंधित है, राज्यों से, नगर पालिकाओं से, केंद्र शासित प्रदेशों से और पंचायतों से, बताइए भारत के संविधान का भाग सेवन किससे संबंधित है, तो याद रखना है इसका सही आंसर होगा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, करे भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा, बताइए कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा, बताइए कौन सा अनुच्छेद में, 243(y)(1), 243(s)(1), 124(a)(1) और 338(b)(1), तो बताइए 19 का सही आंसर क्या होगा। याद रखना है कौन सा अनुच्छेद है 338(b)(1) में कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, करें क्या सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, बताइए सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है 75 दिन, बी है 90 दिन और सी है 60 दिन और डी है 120 दिन, बताइए 20 का सही आंसर क्या होगा। तो याद रखना है कि जब भी सेवानिवृत्त होता है उसके समाप्ति के कितने दिन बाद 60 दिन अवधि के अंदर क्या होता है भीतर आप लोगों को अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है, बताइए लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और डी में क्या दोनों हिंदी और अंग्रेजी, बताइए 21 का क्या होगा। तो याद रखना कि लोकसभा की बहस कहाँ होती है, किस भाषा में होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है विधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, बताइए विधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, ऑप्शन ए में है विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा निर्वाचित, ऑप्शन सी उस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त, डी में उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त, याद रखना इसका सही आंसर होगा विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कराया क्या निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुशासनिक शक्तियों से संबंधित बने, बताइए कौन से अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय की अनुशासनिक शक्तियों से संबंधित है, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 138 और अनुच्छेद 150, बताइए तो इसका सही आंसर क्या होगा। जो भी बच्चे इसका जवाब दे रहे हैं इसका सही आंसर बताइए 23 का क्या होगा। तो याद रखना अनुच्छेद 140 जो है ना सर्वोच्च न्यायालय की अनुशासनिक शक्तियों से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगों का अध्ययन करने के लिए 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगों का अध्ययन करने के लिए 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समिति का एक गठन किया गया था, इस समिति का अध्यक्ष कौन था, बताइए ऑप्शन नंबर एस के धर, ऑप्शन बी है आप लोगों को सरदार पटेल, ऑप्शन सी है पी सीतारामैया, ऑप्शन डी है जे एल नेहरू, बताइए 24 का कौन होगा।
याद रखना इसका सही आंसर होगा एस के धर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते, क्या है करें क्या, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत के भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने की प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। बताइए भारत के जो इनमें से कौन सा है जो संविधान के संशोधन जो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने का प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। बताइए कौन सा संशोधन के द्वारा भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों में पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। पहला क्या है, दसवां संशोधन, बी है सातवां संशोधन, सी में है चौथा संशोधन और डी में है छठा संशोधन। बताइए कौन सा संशोधन के द्वारा किया गया था। तो याद रखना है कि सातवां संशोधन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो CAG के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है। बताइए इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो CAG के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 110। याद रखिएगा अनुच्छेद 110 में कहा गया है कि CAG के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है, तो क्या होगा अनुच्छेद 148, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते, क्या है करें किसके द्वारा एक निश्चित अवधि के दौरान राज्य की सीमाओं में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के एक मौद्रिक संदर्भ में एक उपाय के रूप में परिभाषित किया गया। बताइए किसके द्वारा एक निश्चित अवधि के दौरान राज्य की सीमाओं में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के एक मौद्रिक संदर्भ में एक उपाय के रूप में परिभाषित किया गया है। GDP, GSDP, GVA और NSDP। तो याद रखिएगा GSDP के द्वारा एक निश्चित अवधि के दौरान क्या होता है, जितना भी राज्य के सीमाओं में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को एक मौद्रिक रूप में उपाय के रूप में परिभाषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे। बताइए भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री जो थे कौन से अर्थशास्त्री है। बताइए ऑप्शन ए में है जगदीश भगवती, ऑप्शन में BKR बी रॉय, ऑप्शन सी में है कौशिक बसु, ऑप्शन डी में मनमोहन सिंह। याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी BKR बी रॉय। चलिए अगला क्वेश्चन चलते, क्या है करें क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है। बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए में वाय ऋण में वृद्धि, ऑप्शन बी में दूसरे सब देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना, ऑप्शन सी है विदेश में नया व्यापार शुरू करना, ऑप्शन डी है आयात प्रतिस्थापन करने के लिए सरल योजना लाना। तो बताइए इनमें से कौन है जो भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण का प्रदर्शित करता है। बताइए 29 का क्या होगा, याद रखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते, क्या है करें क्या बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को क्या कहा जाता है। बताइए जो बैंक के द्वारा सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले जो भी ग्राहक होता है उसे वसूलने जाने वाले अल्पकालीन ऋण पर ब्याज दर को क्या कहते हैं। बताइए प्रधान उधार दर, परिशोधन दर, परिवर्तनीय दर और छूट की दर। बताइए 30 का क्या होगा, याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा प्रधान उधार दर। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा प्रधान उधार दर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते, क्या है करें क्या बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में कोलेटरल शब्द का क्या अर्थ है। बताइए बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में कोलेटरल शब्द का क्या अर्थ है। जितना भी स्टूडेंट है इसका सही आंसर बताइएगा जो भी बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में होता है कोलेटरल शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है कोलेटरल एक परिसंपत्ति है जिस पर उधारकर्ता का स्वामित्व होता है और ऋण की चुकौती तक वह गारंटी रूप से इसका उपयोग करता है। ऑप्शन क्या है कोलेटरल एक परिसंपत्ति है जो सरकार किसानों को प्रदान करती है। ऑप्शन सी है कोलेटरल एक परिसंपत्ति है जिसे एक उधारकर्ता ने ऋण के रूप में लिया हो। ऑप्शन डी है कोलेटरल सरकार की एक परिसंपत्ति है जिसका उपयोग उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए किया जाता है। बताइए कोलेटरल का अर्थ क्या होता है।
याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलेटरल जो होता है एक परिसंपत्ति है जिस पर उधारकर्ताओं का स्वामित्व होते हैं और ऋण की चुकौती तक वह गारंटी के रूप में इसका उपयोग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहे हैं NPCI का पूर्ण क्या है जो कि भारत की सभी खुदरा एवं भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्बेरला संगठन है। बताइए अम्बेरला संगठन जो NPCI इसका फुल फॉर्म क्या है, बताइए 32 का क्या होगा। ऑप्शन ए है नॉन कैश पेमेंट कोऑपरेटिव इंक, बी है नॉन कैश पेमेंट कोऑपरेशन, सी है नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है नेट पेमेंट कंपनी इंक। बताइए 32 का क्या होगा, याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा NPCI का, एन से नेशनल, पी से पेमेंट, सी से कोऑपरेशन, आई से ऑफ इंडिया, जो होता है नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया होगा NPCI का फुल फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, देखिए जितना भी स्टूडेंट है मैं आप लोग को उतना टाइम देता हूँ जिससे आप लोग आराम से क्या कर सकते हैं कि कॉमेंट करके उसका आंसर दे सकते हैं, और जो भी बच्चे चाह रहे हैं कि मैं आप लोगों के लिए भी लाइव प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूँ तो आप लोग प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा, जिससे क्या होगा लाइव इंटरेक्शन एक दूसरे से बना रहेगा। और जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप लोग हम मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल जो भी आप लोग जहाँ सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब के बटन से पहले एक ज्वाइन बटन होगा, आप लोग क्या कर सकते हैं ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप लोग मेरा मेंबर बन सकते हैं, जिससे क्या होगा आप लोग एक तरह से सोचा जाएगा कि आप हम लोग उस तरह के सपोर्ट कर रहे हैं। कहिए हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया, बताइए हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया, 33 का बताइए क्या होगा, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन ए है गांव की सड़कों के सुधार को, ऑप्शन बी है बीजों के अधिक उपज देने वाली किस्मों को, ऑप्शन सी है सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोगों को, ऑप्शन डी है खेती में उन्नत तकनीक के उपयोग को। बताइए हरित क्रांति जो ऑप्शन है चारों ऑप्शन में से कौन सा हरित क्रांति के संदर्भ में नहीं है, तो याद रखिएगा हरित क्रांति में ऑप्शन नंबर ए नहीं है गांव के सड़कों के सुधार को, ये क्या होता है हरित क्रांति का मतलब ही नहीं होता, हरित क्रांति का मतलब होता है खेत खलिहान से संबंधित, देखिए उसी से रिलेटेड जितना भी है आप लोग को आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन NHM कब शुरू किया गया था, बताइए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था। ऑप्शन ए में है आप लोग को 2 अक्टूबर 2020 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 2019 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 2021 को और ऑप्शन डी है 1 जनवरी 2022 को। बताइए 34 का क्या आंसर होगा कि हाइड्रोजन राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन NHM कब शुरू किया गया था, याद रखिएगा NHM जो है ना 15 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है, बताइए मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है, 180 दिन, 120 दिन, 100 दिन और 90 दिन। बताइए 35 का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा मनरेगा के जो होता है अंतर्गत मैक्सिमम कितना मिल सकता है 100 दिन आप लोगों को रोजगार मिल सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला, बताइए अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला, ऑप्शन नंबर ए है 1998, 2004, बी में, सी में 1997, डी में 1999। बताइए अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब मिला था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 1998 में जो है ना अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है क्या जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, बताइए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, बताइए पहला ऑप्शन है सरकारी सेवा, ऑप्शन बी है साहित्य सेवा, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय समझदारी, ऑप्शन डी है सामाजिक कार्य। बताइए 37 का क्या होगा, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जो है ना अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, करा ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से 1900 ईस्वी में प्रस्तुत किए गए थे, बताइए ओलंपिक रिंग जो होता है ना पहली बार सार्वजनिक रूप से कौन से ईस्वी में प्रस्तुत किए गए थे, 1933, 1917, 1913 और 1937, बताइए कौन सी ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था, याद रखिएगा 1913 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, कराए क्या स्मृति मंधना एक डैश है, बताइए स्मृति मंधना एक क्या है, पहला ऑप्शन है दाएं हाथ की बल्लेबाज, दाएं हाथ की गेंदबाज, ऑप्शन बी है दाएं हाथ की बल्लेबाज, बाएं हाथ की गेंदबाज,
ऑप्शन सी बाएं हाथ की बल्लेबाज और दाएं हाथ की गेंदबाज, ऑप्शन डी बाएं हाथ की गेंदबाज और बल्लेबाज और बाएं हाथ की गेंदबाज। तो याद रखिए स्मृति मंधाना बाएं हाथ की बल्लेबाज है और दाएं हाथ की गेंदबाज, और ये कौन सा है इंडियन वोमेंस प्लेयर, ये भी आप लोग याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, बताइए हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी, हिंदी, पाली, संस्कृत और उर्दू। याद रखिएगा हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन है, संस्कृत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, संस्कृत जो है ना हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द इकावांग नामक पुस्तक किसने लिखी है, बताइए इकावांग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन ए है जेके राउलिंग, ऑप्शन बी है मेगन मिरांडा, ऑप्शन सी है रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन डी है मलाला यूसुफ। याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जेके राउलिंग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है, सिंगली, अंग्रेज, तमिल और मलयालम, मतलब 42 का क्या होगा। याद रखिएगा जो श्रीलंका की जो है ना पहली आधिकारिक भाषा जो है ना सिंगली है, क्या है सिंगली, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, फिनलैंड की राजधानी क्या है, बताइए फिनलैंड की राजधानी क्या है, ताशकंद, हेलसिंकी, बर्न, डबलबिन, बताइए डबलबिन। याद रखिएगा फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, हेलसिंकी, कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा हेलसिंकी। चलिए अगला क्वेश्चन कौन है, करा क्या 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा परिकर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है, बताइए 1928 ईस्वी में किसके द्वारा खोज गई थी, जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा परिकर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है, एस एन बोस, जॉन डिंटल, सी वी रमन, लॉर्ड रेले। याद रखिएगा 1928 में जो है ना सी वी रमन के द्वारा खोज किया गया था, प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, एडविन हॉवर्ड, जॉन बार्बर, एडविन बियर्ड और निकोलस कालन। तो याद रखिएगा निकोलस कालन के द्वारा प्रेरण कुंडली का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक और 2 फरवरी 2023 में कहाँ हुई, बताइए सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2 फरवरी 2023 को कहाँ हुई भारत में G20 अध्यक्षता के तहत, बताइए मुंबई, गोवा, न्यू दिल्ली और गुवाहाटी। याद रखिएगा सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक जो 2 फरवरी 2023 को जो G20 अध्यक्षता के तहत हुई थी कहाँ हुई थी, बताइए तो याद है कहाँ, गुवाहाटी में हुई थी, कहाँ पर हुई थी, गुवाहाटी में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कराए विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2023 की थीम क्या थी, बताइए जो 2 फरवरी को हमेशा मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 की थीम क्या थी, ऑप्शन है इट्स टाइम फॉर वेंटिलेट्स रिस्टोरेशन, ऑप्शन बी है वेंटिलेट्स एंड वाटर, सी है वेंटिलेट्स एवं बायोडाइवर्सिटी, डी इनमें से कोई नहीं, 47 बताइए क्या होगा। याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रीस्टोरेशन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, करें क्या यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान कौन बैंक बन गया, बताइए यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है, पेटीएम पेमेंट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक। याद रखिएगा यूपीआई लाइट जो है ना लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा, पेटीएम पेमेंट बैंक है जो उन्होंने लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है क्या बिहार के कितने जिलों में ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू किया जाएगा, बताइए बिहार के कितने जिलों में ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू किया जाएगा, 25, 22, 15, 10। याद रखिएगा ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू टोटल 25 जिला में किया जाएगा बिहार के। चलिए और आज के सेशन का लास्ट आप लोगों को क्वेश्चन क्या है, किस जिले में बिहार का सबसे बड़ा
वाटलिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा? बताइए कौन सा ऐसा ज़िला है जहां पे बिहार का सबसे बड़ा वाटलिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा? गया, पूर्णिया, बेगूसराय, पटना। बताइए कौन सी ज़िला है जहां पे बिहार के सबसे बड़ा वाटलिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा? याद रखिएगा बेगूसराय में। कहा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, बेगूसराय में जो है ना बिहार का सबसे बड़ा वाटलिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो टोटल में आज मैं आप लोगों को 50 जीएस क्वेश्चन कराया हूँ और इसके बाद उस टाइम मैं आप लोगों को रीजनिंग और उसके साथ साथ मैथ का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूँगा। देखिए उसमें क्या होगा कि मैं आप लोगों को सीधा आंसर बताऊँगा, तो आप लोग को कम से कम एक क्वेश्चन का ना एक मिनट टाइम दिया जाएगा, उसके बाद आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह सेशन अच्छा लगा हो, जितना भी बिहार LRC कलर के स्टूडेंट हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक LRC कलर का प्रैक्टिस सेट देना स्टार्ट नहीं किया है। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके वहाँ से आप लोग मेम्बर बन के मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।